और इनका सवाल है कोचिन शिपयार्ड के ऊपर, फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। कह रहे हैं नमस्ते अंशुल सर, बिग फैन ऑफ योर सर, तो आपके बड़े प्रशंसक हैं, कोचिन शिपयार्ड में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, क्या अब ले सकते हैं? तो सर PSU पे हर बार आपके लिए बड़ी सवाल रहते हैं, आज भी हैं, और कोचिन पे क्या फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी? काफ़ी तो टूट चुका है सर, अभी क्या और इंतज़ार करना चाहिए, और गिरावट आ सकती है, या आज भी 3.25% तो डाउन हो चुका है, आपकी सलाह क्या रहेगी यहाँ कोचिन शिपयार्ड पे? देखिए, कोचिन शिपयार्ड अभी 53.5% गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से। 1166 का मेरा टारगेट है, जहां पे जाके कुछ बाउंस बैक मिल सकता है। बट ये वो काउंटर नहीं है जो आपको अगले 3-6 महीने या 1 साल में कोई रिटर्न जनरेट करके देगा। आप या तो फ्लैट टू नेगेटिव ही रहेंगे, 1400 के आसपास लेते हैं तो भी, और 1166 के आसपास एक बार बाउंस बैक के लिए 8-10% की रैली के लिए ले सकते हैं। बट ये वो काउंटर्स नहीं है जहां पे मैं लॉन्ग प्ले करना पसंद करूंगा। इस गिरावट के बाद जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ बचेगी, जो अल्फा जनरेट करते हुए स्टॉक्स दिखेंगे, उनमें आपको मार्केट जब बाउंस बैक करना स्टार्ट करेगा, 20-30% की अपसाइड बहुत आराम से मिलेगी। तो केवल समय दीजिए मार्केट बॉटम होने का, उसके बाद लिस्ट बनेगी कि कहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, उन काउंटर्स में ब्रेकआउट प्ले किया जाएगा। ये अगले 3-4 साल उस लिस्ट में शायद ही है कि आए, तो मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। 1166 पहले आता हुआ दिख रहा है, अगर नहीं होल्ड होता है तो फिर और डीपर करेक्शन इसमें हो सकता है, समवेयर अराउंड 908 रुपए का। तो अभी भी मेरे लिए कोई इनमें बाइंग नहीं है। बाइंग की सलाह नहीं है कोचिन शिपयार्ड के अंदर राजेश जी, यहाँ पर से दूरी बना करके चलिए।